गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी के संबंध में, और बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चंस जो है सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है कि सर इन क्वेश्चंस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो पहला जो कॉमन सा क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर आंसर की को हम चैलेंज कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, ठीक है, तो चैलेंज करने के बाद अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या उसमें हमारे मार्क्स कम होंगे? बाई चांस हमें ऑलरेडी जो है मार्क्स मिला हुआ है उसमें, पहले अगर आंसर की के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा क्वेश्चन सही है उसमें हमें मार्क्स मिला हुआ है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को कोई चैलेंज करता है और उनका चैलेंज जो है एक्सेप्ट हो जाता है आयोग के द्वारा, तो इस कंडीशन में क्या हमारे मार्क्स कम होंगे? तो इसमें दो टाइप की सिचुएशन है। पहले वाली जो कंडीशन है उसमें क्या है कि देखिए, अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं और आयोग के द्वारा उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है, डिलीट कर दिया जाता है उस क्वेश्चन को, डिलीट करने के बाद क्या होगा, अंक जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि सबको मिलेगा उसमें एक अंक। कहने का मतलब वो क्वेश्चन डिलीट हो गया है, इवन जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया था तो उनको भी मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो अब 99 के बेस पर मान के चलिए एक नंबर सबको दे दिया गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस क्वेश्चन का जो है आंसर चेंज हो जाता है, यानी कि संशोधित आंसर की में उसका आंसर दूसरा ऑप्शन मान लिया जाता है, तो इस कंडीशन में हाँ अंक कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले आंसर की में अगर आपने सपोज दैट किसी क्वेश्चन का ए ऑप्शन टिक किया था वो करेक्ट मान लिया गया था, लेकिन बाद में किसी ने उसको चैलेंज किया और उसका आंसर दूसरे उसमें जो है बी मान लिया गया, ठीक है। ऐसा कब होता है? जब आंसर गलत दिया हो आंसर की में, नहीं तो ऐसी बहुत कम संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन जब जिस क्वेश्चन में होते हैं तो डाउट वहीं पे होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका एक अंक आपको मिला हुआ है और दूसरी आंसर की में बी ऑप्शन मान लिया जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एक अंक मिला हुआ है वो तो कम होगा, उसके साथ साथ आपका 0.25 माइनस भी हो जाएगा, उसमें 0.25 माइनस हो जाएगा, और जो अन्य कैंडिडेट्स का उस क्वेश्चन में एक नंबर कम हुआ था पहले उसमें, ठीक है, और ऊपर से माइनस लगा था, यानी कि आपका जो है जिन्होंने पहले आंसर की में सही किया था 1.25, अब दूसरी आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आंसर चेंज हो जाता है तो उनका 1.25 माइनस होगा। कैसे? एक अंक तो माइनस होगा, ऊपर से 0.25 भी कटेगा माइनस मार्किंग के तहत। अब अन्य जो कैंडिडेट्स हैं जिनका गलत हुआ था पहली आंसर की के अकॉर्डिंग, अब दूसरी आंसर की में उनका क्वेश्चन जो है उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया और वो क्वेश्चन मान लिया गया, उसको ऑप्शन को सही मान लिया गया, तो उनका एक अंक तो बढ़ेगा और 0.25 हट जाएगा, यानी कि उनको जो है 1.25 का फायदा होगा और उन कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा जो है, एक क्वेश्चन में ये भी देख रहा था, क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा? नॉर्मलाइजेशन इस टाइप के एग्ज़ाम में नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जा रहा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी अलग अलग रहता है, जैसे एनटीए नेट का अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है तो दो शिफ्ट में होता है, एक सुबह की एक शाम की शिफ्ट में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। और उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये था। और तीसरा जो कॉमनली जो आपके जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जो चैलेंज करने से संबंधित किसी क्वेश्चन को, तो इनसे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ से हमें प्राप्त हो रखे हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए चाहे अन्य किसी माध्यम से, वो सारी चीज़ें हमने जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दी हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। पर्सनली जो है व्हाट्सएप कर पाना इतने लोगों को पीडीएफ पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को आप चैलेंज करें तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और चैलेंज किस क्वेश्चन में एक्सेप्ट किया जाएगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिसका एक तो सोर्स ऑथेंटिक हो, उसके साथ साथ बुक का जो बुक का कवर है, ठीक है, कवर पेज, उसके साथ साथ कॉन्टेंट लिस्ट, उसको भी हाईलाइट करना है। तीसरी चीज़ जो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं उसको हाईलाइट करके, ये तीन चीज़ें, और उसके साथ साथ आप अपना जो वो क्वेश्चन है वो तो आपको अटैच करना ही है, तब जाके जो है किसी भी क्वेश्चन का जो है चैलेंज जो है एक्सेप्ट हो पाएगा।
और कुछ साथी जो पूछ रहे थे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस में या कुछ अन्य क्वेश्चंस के संबंध में, ठीक है, जिन क्वेश्चंस का कोई बुक में कहीं पे प्रूफ नहीं मिल पा रहा है और रूल्स के तहत वो क्वेश्चन सही है। जैसे ग्रामर के क्वेश्चन की बात करें, ग्रामर में अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा है या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, उसकी एक पीडीएफ टाइप की बना के उसके साथ में आप एक A4 पेज पे जो है एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में वो बना सकते हैं, उसमें वहाँ पे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डिपेंड करता है टोटली ये UK SSSC के ऊपर कि वो उस क्वेश्चन को जो आपने चैलेंज किया है उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन आप अपनी तरफ से इस पर कोशिश कर सकते हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना के कि इसमें ये रूल लगता है लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि जब ग्रामर से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक की बात करें जिसमें सेंटेंस या कुछ ऐसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो कि बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ उसका रूल आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स या मेथड जो है उसको शेयर करने के बाद उसके संबंध में जो आपको लग रहा है वो एक्सप्लेन वहाँ पर आप कर सकते हैं। और आयोग में जो बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनको लगता है कि वो सही है आपका जो एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन के संबंध में, फाइनली इस पर विचार तो UK SSSC के द्वारा किया जाएगा। अगर मान लिया जाता है तो अब मान के चलिए कि आपको उसमें जो है बेनिफिट मिल सकता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी ये तो कह पाना पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ हो जाता है। लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्ट किए गए थे इंग्लिश में, स्पेशली NCERT से रिलेटेड जो थे, तो आगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है और किसको नहीं किया जाता है। ये टोटली आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। ये वही वाली सिचुएशन है डू और डाई, करो या मरो, जैसे फाइनल ओवर में होता है क्रिकेट के, पलड़ा कहीं भी झुक सकता है। और जितने क्वेश्चन को चैलेंज किया जा रहा है, अगर इन क्वेश्चन का चैलेंज बाई चांस एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर मेरिट जो है ज़्यादा जाने की संभावना यहाँ पे बन रही है, ठीक है। क्योंकि अगर इतने क्वेश्चंस रियल में आयोग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं इनके प्रत्यावेदन, तो मेरिट जो है तीन से चार नंबर तो आपको ज़्यादा उसमें उछाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा इस वीडियो के जरिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।